शांति। आज की मुरली सार कविता 27 दिसंबर 2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाप से सच्चा ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हो। जब बाप से पूरा योग नहीं, देही अभिमानी न बनते। इसलिए धारणा नहीं होते, नाम रूप में जब फंसते। एक बाप दूजा न कोई, ये पाठ पक्का है करना। दूसरों के पिछाड़ी न पड़ना, बाप से राय लेते रहना। ज्ञान की शंख ध्वनि करके बाप समान हमें बनना। खान पान की परहेज रख कर श्रीमत का पालन करना। स्वयं धारणा करके फिर औरों को समझाना है। पवित्र प्रवृत्ति कैसे रहे, ये औरों को भी बताना है। प्रवृत्ति में पवित्र कैसे रहे, ये औरों को भी सुनाना है। साधन के प्रभाव में न आना, प्रकृति को दासी बनाना है। ऐसे दासी बनाने वाले विजयी हमको बनना है। साधन साधना का आधार ना हो, साधना उन्हें आधार बनाए। प्रकृति के मालिक हो आप, प्रकृति ही दासी बन जाए। योगी पुरुष प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकते। योगी पुरुष प्रकृति के प्रभाव में ना आ सकते। एवर रेडी वे जो हर घड़ी, अंतिम घड़ी समझ रहते। एवर रेडी वे जो हर घड़ी, अंतिम घड़ी समझ चलते। एवर रेडी वो जो हर घड़ी, अंतिम घड़ी समझ चलते। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ज्वाइन पावर ऑफ सकाश, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।